तलक साहब ने भी और सब लोगों ने, हम लोग सब लोग जो शिक्षा विभाग और NYKS, NCC, NSS सबके ज़रिए हम लोग युवाओं से संपर्क साध रहे हैं। एक ओपन उनको गूगल फॉर्म मिला है जिसमें कोई भी युवा, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ता लिखता है, पर अगर 29 साल से कम उम्र का युवा जिसमें टैलेंट है, वो दुकान पर बैठा है, वो खेती करता है, वो शहर में कोई नौकरी करता है, पर वो अपने हुनर को आवाज़ देना चाहता है, उसके लिए वो खुले तौर पर आमंत्रित हैं। और अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, हमारे 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन आज अभी तक आए हैं। बट मुझे लगता है कि जिस तरह हमने शेखावाटी यूथ फेस्टिवल में किया कि इनिशियली रजिस्ट्रेशन थोड़े कम आए, पर फिर आप देखें कि जो हमारा आखिरी 12 तारीख तक हमने उसको कैप किया था कि 12 अप्रैल से पहले जितने रजिस्ट्रेशन आएंगे उन्हीं को लेंगे, तो 12 तारीख शाम तक हमारे 6,500 रजिस्ट्रेशन वहाँ पर आए थे। और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मेवाड़ में जो अपनी समृद्ध कलाएं हैं और युवा भी बहुत उत्साहित हैं, जब भी देखते हैं हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, तो वो इस फेस्टिवल में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले। सब निःशुल्क है रजिस्ट्रेशन वगैरह? सब कुछ निःशुल्क है, युवाओं को उनका रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, उनका आना जाना रहना खाना सब कुछ निःशुल्क है, उनकी परफॉर्मेंस उनको देनी है, उनको मौके लेने। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक आग्रह है कि इस बार का बजट, जैसा कि उन्होंने कहा, और मैं तो अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि पिछले 28 जून को उन्होंने जयपुर में जो हमारा राजीव गांधी एक्सीलेंस सेंटर, एक यूथ हॉस्टल हम लोग बना रहे हैं, उसके शिलान्यास के वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि युवा बोर्ड हमें सजेशन दे, हम आने वाला बजट जो है वो राजस्थान के युवाओं को देना चाहते हैं, उनको समर्पित करना चाहते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने किया, और आप देखिए कि 1,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ युवाओं के व्यक्तित्व विकास और उनको ही समर्पित किया है। 500 करोड़ रुपए का अकेला उन्होंने, पहली बार ऐसा हुआ देश में, कहीं भी नहीं है कि उन्होंने युवा कल्याण कोष की घोषणा की है 500 करोड़ रुपए से। इसके अलावा हर ज़िले में यूथ हॉस्टल बनेंगे, और आपके राजसमंद में भी यूथ हॉस्टल बनेगा, और हर ज़िले में, उदयपुर में ऑलरेडी है, तो हर ज़िले में यूथ हॉस्टल बनेंगे। इसके लिए हमने पैसे अलॉट किए हैं सरकार ने, और 75 करोड़ रुपए इस फेस्टिवल के अलावा। इस साल में एक बड़ा यूथ फेस्टिवल और होने वाला है, जिसको हम दोबारा से ब्लॉक लेवल से शुरू करके स्टेट लेवल तक जाएंगे, और वहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे, और अभी भी जो बच्चे